वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? जी बिल्कुल, आपकी उम्मीदों की क्लास शुरू हो चुकी है, जिसे आप लोग बोलते हैं जीरो लेवल की क्लास। जी, अब आप ये लोग आज जो देखेंगे कक्षा 7 की मैथ में आगे का टॉपिक देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस क्लास को पूरा देखिएगा, सब कुछ समझ में आने की पूरी गारंटी होगी। बस इस क्लास को पूरा देखिएगा, यानी कि एंड तक देखिएगा। जी हाँ, एक ऐसी क्लास जहाँ से आपकी खोई हुई उम्मीदें वापस आती हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो लेवल की क्लास। जी बिल्कुल, ये है कक्षा 7 की मैथ, और आप लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं पीवीआर स्टडी। चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और देखने के बाद में इस वीडियो को मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और पूरा देखिएगा। बिल्कुल, आप देख रहे हैं एडवांस मैथ, जिसका नाम सुनते ही आप लोग एडवांस हो जाते हैं, यानी कि बड़ी आफत आने लगती है। ये बहुत ही आसान होता है, एक बात याद रखें, मैथ आसान है। जी हाँ बिल्कुल, मैथ आसान है। देखिए कैसे, इसका राइट आंसर आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, कर दिया ना? बिल्कुल, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स का स्क्वायर। कुछ लोगों के दिल में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये भी माइनस था और ये भी माइनस था, तो इन्होंने आखिर ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ा कि ये सब प्लस हो गया। जी बिल्कुल, हम आपको चिन्ह परिपाटी दिखाने वाले हैं, गौर से देखिएगा। देखिए, आप जानते हैं ना, अगर लोहा से लोहा टकराता है तो चिंगारी निकलती है। जी बिल्कुल, अगर माइनस का गुणा माइनस में होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, है ना? अगर आग से पानी टकराता है तो क्या होता है, आग ठंडी हो जाती है ना? तो बस वैसे आप जान लीजिए कि माइनस से माइनस का गुणा होता है तो माइनस खत्म हो जाता है क्या, प्लस। अगर प्लस का प्लस में गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस ही होता है। अब एक बात दिमाग में बसा ले, अगर समान समान चिन्ह का गुणा होगा तो जो उत्तर आएगा वो प्लस आएगा, ठीक है? अगर एक माइनस है एक प्लस है तो जो उत्तर आएगा वो क्या होगा, माइनस होगा। यानी आप इसको ऐसे जान लें, ज्यादा आप दिमाग में विचार नहीं आ रहे फिलहाल, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, मतलब जब दोनों चिन्ह एक जैसे रहेंगे तो उत्तर जो आएगा प्लस में होगा। देखिए, इसमें दोनों में एक जैसे हैं, है ना? अगर एक प्लस है एक माइनस, तो उसका आंसर माइनस में आएगा, चाहे पहला प्लस हो चाहे दूसरा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो वही प्रक्रिया यहां पर हुआ था, दोनों माइनस था इसलिए इसका उत्तर जो आएगा वो प्लस में आएगा। और घात क्यों लगी, ये आपने पिछली क्लास में देख लिया था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखा था तो कमेंट करिएगा, आपको वो क्लास मिल सकती है, ठीक है ना? तो चलिए आगे चले। देखिए, इस चिन्ह से संबंधित सारी कंफ्यूजन को किनारे रखते हुए आप एक सवाल बता दीजिए, सिंपल वाला जो सभी लोग जानते हैं। माइनस तीन का गुणा अगर हम करेंगे पांच में, तो इसका उत्तर क्या आएगा? ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, और ये तीसरा ऑप्शन है, और ये चौथा ऑप्शन है। जल्दी से कमेंट करें, फट से सभी लोगों को आ जाना चाहिए। हो गया सभी का? देखिए, ये एडवांस मैथ नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी। क्यों? क्योंकि एक प्लस एक माइनस, यानी कि ये ऐसे बन रहा है, ऐसे इक्वल माइनस होगा ना, उत्तर कितना आएगा इससे नहीं मतलब, चिन्ह क्या आएगा हमें इससे मतलब है, तो चिन्ह तो माइनस आ गया ना, हो गया ना। देखिए, अब हम चलते हैं कक्षा 7 की गणित के अनुसार। कक्षा 7 की जिन लोगों के पास बुक है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 7 की गणित जिनके पास है, वो लोग जल्दी से अपनी बुक खोल ले फटाफट, और मैं उनके बुक के अनुसार आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है। कक्षा 7 की बीज गणित जो पहले चलती थी, उसमें से अभ्यास एक एक के अनुसार ये है, इनका गुणा करना है, 7x² × 5x³। देखिए, ये 7x² × 5x³, इसका मान क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है 35 हो सकता है, दूसरा है 35x⁵5 हो सकता है, तीसरा है वो कह रहा है कि 35x³, और चौथा है -35x⁵5। जल्दी से कमेंट करें, अगर ए सही है तो आप बड़े प्यार से 3a लिख देंगे, अगर सी सही है तो आप लिख देंगे 3c, बस इतना ही आपको लिखना है, ये नहीं लिखना पूरा पर पंच, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। जल्दी से फटाफट कमेंट करते जाएं, आपके कमेंट का जवाब बस जल्दी ही शुरू हो जाएगा, मिलने लगेगा, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिस वजह से आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? तो आगे बढ़े हम लोग। बिल्कुल, आप लोग पीवीआर स्टडी को मित्रों में शेयर करें, संख्या मिलियन में पहुंचाएं, उसके बाद फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखिए, इसमें कैसे करते हैं, नंबर नंबर का गुणा कर लेते हैं, है ना? तो 7 का 5 में गुणा कर लिया, कितना हो गया, 35। अब तो आसान हो गया ना आपके लिए, कैसे, गिनती गिनती का गुणा हो गया, बचा x² और x³, ये घात 2 घात 3 जुड़ जाएगा, हो जाएगा घात 5। सेम उसी तरह से जैसे आपने देखा होगा, अगर एक बच्चे को
कोई खाने के पदार्थ दीजिए जिसमें कुछ कड़वा चीज भी हो और कुछ मीठा भी हो, तो वो मीठा मीठा चुन के खा लेता है, कड़वा कड़वा छोड़ देता है। तो वैसे आपको भी करना है, क्या करना है कि ये जो मीठा मीठा है पहले उसको निकाल के गुड़ा कर लीजिए, फिर जो कड़वा है ना उसका हिसाब बाद में करिए। कड़वा आपको इसमें यही लग रहा होगा जैसे x घात 2 x घात 3 है ना, क्योंकि इससे तो सभी लोग परिचित हैं। 3 का 5 में करेंगे तो 15 होगा, 5 का 7 में करेंगे तो 35 होगा। समझ गए? तो अगले सवाल पे चलते हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस लगे रहना है और ये रटते रहना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये ऊपर हमने लिखा था मैथ आसान है ना, ये मैथ आसान है जो मैंने लिखा था, ये चैनल का नाम है PBR स्टडी पर मैथ आसान बनाने के लिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो मैथ आसान है चैनल पर देख रहे हैं तो PBR स्टडी को सब्सक्राइब करें, PBR स्टडी पर देख रहे हैं तो मैथ आसान है को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएगी आपको। आगे चलें, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। इसी बुक के अनुसार अगर हम चलते हैं तो ये अगला सवाल कह रहा है 3x² y और 2/3 y² z, 3x² y और 2/3 y² z, यही तो है ना। ये कक्षा 7 की गणित के बुक में अभ्यास 1A सवाल नंबर 2 का बी नंबर है। इसके मान क्या हो सकते हैं? बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल सा सवाल है ये। देखिए ऑप्शन नंबर है जो आपका पहला x² y और ये z, ये है x² y² z और ये है 3x² y² z, और चौथा क्या हो सकता है? अरे जरा दिमाग लगाओ ना भाई, क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है 2x² y² z। जल्दी से कमेंट करें 4 नंबर में कौन सा सही होने वाला है। कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत जल्दी जल्दी बकर बकर बोल रहे हैं ना जी। बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके शामिल हो, है ना। आपको कुछ कम अगर समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल आएगा, बस आप देखते रहे। आज का वीडियो मैंने बहुत जूम करके बनाया जिससे आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। एकदम मस्त है ना सब कुछ। चले आगे, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे समझ से अब सही होगा कि गलत, ये तो हल करेंगे तभी मालूम चलेगा, वो ऑप्शन नंबर डी। जी बिल्कुल, सबसे नीचे। कैसे? देखिए आप जरा गौर करिएगा, मैंने आपको बताया था अगर एक बच्चे को कड़वा और मीठा दोनों चीज मिला के दीजिए एक में, जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल, आपने चना बनाया उसमें आपने मिर्च भी काट दिया और गाजर भी काट दिया, तो चाहे बड़ा हो या फिर बूढ़ा हो या फिर बच्चा हो अक्सर कोशिश करेगा कि वो गाजर पहले खाएगा मिर्च बाद में खाएगा या नहीं खाएगा, ऐसा होता है। तो सिंपल में आपको करना क्या है कि जो भाई ये गाजर है मतलब जो आसान वाला है इसको आप निकाल लो पहले, ये क्लियर। अब जो ये बचा है इसको छोड़ दो, ये तिकड़म, इससे कोई मतलब नहीं, इसको बाद में हम इससे निपट लेंगे ये, ठीक है। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो सभी जानते हैं एक तरीका तो ये है कि इसको 6/3 कर ले, तो सभी जानते हैं 2 आएगा लास्ट में। लेकिन हम इतना बड़ा परपंच क्यों करें, इसको अगर हम यही काट दे तो ये केवल 2 बचेगा ना, मतलब कुल मिला के 2 आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो गिनती आएगी इसमें केवल 2 आएगा जो कि इसी के पास में है, बाकी कहीं नहीं है। आगे अब हम इनसे निपटते हैं, तो x² y और इनका गुणा करना है किसमें, y² z में। अब आप देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां घात 2 है, इसका कोई साथी है इसमें जिसमें x की घात 2 हो? नहीं है ना, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा x की घात 2। y की बात करें यहाँ घात 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, यहाँ 2 है, y की घात क्या हो जाएगी 3, और z अकेले है तो ये हो गया। यानी कि टोटल जो आंसर आएगा कितना आएगा, ये अभी हमने हल किया था 2 आया था ना, वो सब एक में जुड़ जाएगा, यानी कंप्लीटली जो आएगा वो आएगा 2x² y घात 3 z। ये ऑप्शन भी गलत है। जी बिल्कुल गलत है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, यहाँ पे अगर घात 3 होती तो ये सही था। देखिए हमें उत्तर से मतलब है, ऑप्शन से नहीं मतलब है, आपको हल करने का तरीका आना चाहिए। अगर एग्जाम में सभी ऑप्शन गलत दिए जाएंगे ना तो आपको नंबर मिलेगा, उसका जिम्मेदार जो है वो प्रशासन होगा, यानी कि जो एग्जाम करवाएगा वो। तो ऑप्शन गलत नहीं होंगे, कोई ना कोई अवश्य सही होगा, समझ में आई बात ना। तो हम चलते हैं अगले सवाल पे, ध्यान दीजिएगा इसी के तुरंत फटाफट, नो कटपिट, आज कोई वीडियो रोका नहीं जाएगा, बस फटाफट आगे बढ़ते चलेंगे, है ना। हाँ तो ये है अगला सवाल जो आपका, वो गुणा कह रहा है 4x - 3x में, यही तो है ना। जी बिल्कुल, प्रश्न नंबर 3 में ये है, बीच में -7x है, इसका मान पूछा गया है,
यही तो है भाई, कुछ और है जी, -7x है ये, -7x। इसका मान कितना हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने है 28x और -28x, -28x स्क्वायर और ये +28x स्क्वायर। देखिए कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेंगे हम आपको, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दी से जवाब दीजिए क्या हो सकता है, फटाफट करें। हो गए सभी के कमेंट्स, तो चलें हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने अभी आपको एग्जांपल बहुत अच्छा बताया था, बार बार वही नहीं बताऊंगा, देखा आप लोग कहेंगे वही बार बार बोलते हैं, तो हम इसे एक पढ़ाई लिखाई की भाषा में समझें। तो पहले हम इसमें से चर चर पद का क्या करेंगे, छोड़ देंगे चर पद को, मतलब ये चर पद है ये भी चर है, आचार अचार का गुणा कर लेंगे। तो चार का गुणा करेंगे -7 में दिया आएगा 28। अभी हमने आपको चिन्ह परिपाटी बताया था, अगर एक प्लस एक माइनस है तो क्या आता है, माइनस आता है। इस पे कुछ नहीं तो प्लस लगा लो, कोई बुराई नहीं, ठीक ना। अब x x का गुणा करना है, तो x x का गुणा करने पे आता है कितना, x घात 2। कैसे आता है पहली क्लास में सीख चुके हैं, इसकी घात 1 होती है, इसकी 1 जुड़ जाता है तो 2 हो जाता है। अब इन दोनों को एक में सटा के रख देना है बस, मतलब इनको पहले कर देना है इनको बाद में, तो ये हो गया आपका आंसर। बट ये जो आंसर है ना गलत है, कैसे, यहाँ माइनस था ना तो यहाँ उत्तर माइनस में आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, -28x का स्क्वायर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही कहलाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच आप बोल सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते चलें। तीन सवाल आपके सामने और आ चुके हैं, गौर फरमाइएगा और उत्तर देने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल सही करेंगे आप, हमारी पूरी उम्मीद होगी। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है इस क्लास को लाइक अवश्य करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा, जिनको हमारी बातें बुरी लगती है माफ करिएगा, लेकिन हाँ जो कह रहा हूं उसको जरूर करिएगा। इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करें फटाफट, हमारी कोशिश ये होती है आपकी उम्मीदों से ज्यादा मिले आपको, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं हमसे, और इन्हीं उम्मीदों को याद रखते हुए रात में नींद नहीं आती और सुबह 5 बजे के पहले उठकर आपके सामने आना होता है, चाहे तो क्लास पब्लिश करें या फिर लाइव दिखाएं, किसी भी तरह से क्लास होनी चाहिए, खाना हो या ना हो लेकिन क्लास आपको मिलनी चाहिए, हमारा यही टारगेट होता है। जल्दी से जवाब दीजिए 6, 7, 8 जी बिल्कुल, आप लोगों को सुनकर बड़ा अजीब सा लगेगा, यकीन हो या ना हो, अगर खाना निकल के रखा भी होता है लेकिन क्लास का टाइम हो जाता है तो पहले क्लास होती है, खाना बाद में होता है, और इसी समर्पण का नतीजा आप देख रहे हैं आज आप लोगों की संख्या 60,000 के आसपास पढ़ाई के क्षेत्र में हो गई है। अगर कॉमेडी का ये क्लास होता तब तो अब तक लाखों हो गए होते। हो गया आंसर, देखिए पहला आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 4×12 x की घात 7 और ये डी वाला हो जाएगा। अब सही होगा कि नहीं होगा मैं बता रहा हूं, भी हल करके दिखाऊंगा कैसे होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15y की घात 5 और 1 मतलब 6, 15y की घात 6 सी वाला सही होगा। सभी का हो गया ना कमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3×6 x²y माइनस में, मतलब ए वाला सही है। अब जो मैंने बताया क्या सही बताया गलत बताया इसको भी देखिएगा, दिखाऊं, मैंने आपको बताया 12x की घात 7 सही है ना, इसको उत्तर ही ऊपर लिख लीजिए 12x की घात 7। चलिए इसका हम फिर आपको पोस्टमार्टम करके दिखाते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए मैंने बताया था पहले गिनती गिनती का गुणा कर लो भाई, तो ये हो गया 4×12 x की घात 2 x की घात 5, गुणा करने में घातें जुड़ जाती है, 2 घात 5 जुड़ गया, हो गया x घात क्या 7, राइट है ना आंसर जी बिल्कुल। इसमें हमने आपको बताया है 15y का घात 6, देखिए क्या होता है, क्या बताया मैंने 15y की घात 6, जिनको इसको लिखना है पीछे करके वीडियो को लिख लेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, वीडियो को रोक करके पीछे करके लिख लीजिए 15y की घात 6 मैंने बताया था, 3×5=15, y की घात 2 और 3×5, यहां पे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, हो गया 6, यानी कि 15y की घात 6 नोट कर लीजिए फटाफट, जिसको जिसको लिखना है आप लोग समझ चुके होंगे पूरी उम्मीद है, तो इनको भी हम खत्म कर देते हैं, जिनको लिखना है वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें 10 सेकंड और तुरंत लिख लें। वैसे तो उत्तर हमने लिख दिया है, कोई डिस्क्राइब तो कर नहीं रहे फिलहाल, आप कर सकते हैं। इसका उत्तर हमने बताया था -6x²y, कैसे आया था, गिनती गिनती का गुणा कर लो भाई, 3×2 हो गया 6 और यहां पर x 2 जगह है ना, तो 1×1 2 हो जाएगा, यानी कि इसकी जो चुरकी है वो 2 बढ़ जाएगी, और ये y अकेला बढ़ रहा है तो y भी हो गया,
लेकिन इसमें एक जगह माइनस भी तो था ना, तो उसको कैसे भूल जाएंगे भाई, किसी का कर्जा नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दादी जी कहा करती थी, लेकर ना भूलना देकर भूल जाना। जी बिल्कुल सही है ना, हो गया। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच बोल सकते हैं। मित्रों, जो आपके सामने दिख रहा है आपके काम के लिए है, बहुत ही काम की चीजें हैं, इनको आप लोग जल्दी जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। ये नंबर तो लगभग सभी को याद होगा, वीडियो को तुरंत रोक करके लिख लीजिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में ये सारी जानकारियां दी गई हैं, आप इन्हें वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पढ़ाई से संबंधित अपनी हर एक समस्या को सुलझाने के लिए विजिट करें pbrstudy.com। अगर इस वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, या फिर आप हमें डायरेक्ट फोन कॉल भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैथ आसान है आपका एक यूट्यूब चैनल है, पीबीआर स्टडी का एक पार्ट है। अगर आप ये क्लास मैथ आसान पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर पीबीआर स्टडी ग्रुप या पीबीआर स्टडी पर देख रहे हैं तब भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सब्सक्राइब कर लें। ये चार चैनल हैं आपके पीबीआर स्टडी के, पीबीआर स्टडी ग्रुप, पीबीआर स्टडी और पीबीआर स्टडी ब्लॉग। जी बिल्कुल, सबका दादा जो है वो है पीबीआर स्टडी, बाकी ये सभी इनके छोटे लड़के बच्चे हैं। तो भाई सबका ख्याल रखिएगा, सभी को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। और हाँ, पड़ोसी का भी ख्याल रखिएगा, अनएकेडमी, अगर आप अनएकेडमी पर फॉलो करेंगे तो इनसे भी आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। वो कौन सा? आपको बाल विकास, मनोविज्ञान, पर्यावरण, हिंदी अंग्रेजी, अन्य सभी क्लासें जो है अनएकेडमी पर मिलेंगी, ठीक है ना। मैथ की क्लास अभी नहीं हो रही उस पर, वो भी होने लगेगी। इसके अलावा फेसबुक पेज को लाइक करेंगे तो आप ये वीडियो इसी तरह हमें चिल्लाते हुए फेसबुक पर भी देख पाएंगे, ठीक है। और हाँ, ट्विटर जानते हैं ना, इंस्टाग्राम, आप लोग बहुत सारी पिक्चर पोस्ट करते होंगे, वहां पर भी आपकी क्लास की अपडेट मिलती है आपको। तो आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और गूगल प्लस हर जगह फॉलो करें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी मित्रों को एक बार, दो बार, हजार बार तहे दिल से शुक्रिया। फिर से मिलेंगे एक नई उम्मीद, एक नई क्लास के साथ। तो बस याद रखिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना क्लास शेयर किए ये नैया पार नहीं होती, ऐसा बोलूं तो गड़बड़ है ना। तो फिर भाई शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। थैंक यू एक बार फिर से, जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए मैं राजकुमार यदुवंशी आपसे लेता हूं विदा। देखते रहें और दिखाते रहें आपका अपना पीबीआर स्टडी।